हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज मैं एक ऐसे गेम को खेलने वाला हूँ जिस गेम का नाम है टेरिबल नाइट एट स्कूल। एंड गाइस, ये जो गेम है भाई बहुत ज़्यादा स्कैरी गेम है, क्योंकि मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये स्कैरी क्यों है। तो सबसे पहले मैं स्टोरी इस गेम का बता देता हूँ कि दरअसल इस गेम के अंदर में चल क्या रहा है। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, जो कि हम लोग एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक मिडिल स्कूल है जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। एंड क्या हुआ था कि मतलब जब हम लोग स्कूल गए थे उस टाइम मेरा जो एक दोस्त है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, वो अपना एक डायरी उस स्कूल में भूल जाता है एंड हम लोग अपना घर चले जाते हैं। एंड उसके बाद अपना जो दोस्त है वो मुझे कहता है कि उसका जो डायरी है भाई वो स्कूल में भूल चुका है एंड अभी मुझे उसको जाके लाना है, मतलब उस डायरी को मुझे जाके उस स्कूल से लाना है। एंड वो जो स्कूल है भाई बहुत ज़्यादा हॉरर है, क्योंकि दिन के टाइम में तो वो स्कूल बहुत ज़्यादा ऐसे नॉर्मल रहता है, बट जैसे भाई नाइट होता है, रात का टाइम होता है, वो जो स्कूल है भाई मतलब हॉरर स्कूल में बदल जाता है। एंड उस मतलब स्कूल के अंदर में एक चुड़ैल, मतलब जो टीचर है भाई वही चुड़ैल बन जाती है, ठीक है। तो अभी वो अपना डायरी उस स्कूल में भूल चुका है। एंड मतलब और एक चीज़ है कि अपना मतलब जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो अपना एक बाईसाइकिल है जिसमें हम लोग दोनों ही मतलब फ्रेंड स्कूल जाते हैं, तो वो मुझे बताता है कि तुम्हें ही जाना होगा उस स्कूल में और जाके उस डायरी को मुझे ला के देना होगा। तो फिलहाल मेरे पास ही एक बाईसाइकिल है, उसके पास तो है नहीं, तो चलिए स्कूल चलते हैं एंड वहाँ से जाके डायरी को लाते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ, स्कैरी जो स्कूल है भाई बहुत ज़्यादा स्कैरी है। तो गेम को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्कूल में चलते हैं और जाके उस डायरी को ढूंढते हैं। ऑल राइट गाइज, तो फिलहाल हम लोग का गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। एंड मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोगों के पास हेडफोन है तो आप लोग ज़रूर लगा लो, ताकि आप लोग को पूरा स्कैरी वाइब आए। तो फिलहाल अपना गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे हिंट मिला है कि हम लोग को एक येलो की ढूंढना होगा, तभी हम लोग स्कूल के अंदर में इंटर कर पाएंगे। एंड ये अपना स्कूल है, आप लोग देख लीजिए, एंड ये अपना स्कूल है, ये एक मिडिल स्कूल है एंड ऊपर में स्कूल लिखा हुआ है, ठीक है। ये मिडिल स्कूल है और यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, अपना दोस्त भी यहीं पे पढ़ता है और यहीं पे अपना डायरी हम लोग भूल चुके हैं। मैं नहीं भूला हूँ, अपना फ्रेंड भूल चुका है। ये रहा अपना साइकिल जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, इसी बाईसाइकिल से आया हूँ। बट अभी मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ, क्योंकि पहले डायरी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। एंड इधर तक कुछ है नहीं, इधर बाहर में हम लोग खेलते हैं जब यहाँ पे जब टिफिन होती है एंड जब छुट्टी हो जाता है उस टाइम हम लोग खेलते हैं। यहाँ पे एक मेल बॉक्स है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग को यहाँ पे येलो की मिल चुका है एंड इस की के थ्रू अभी हम लोग स्कूल के अंदर में एंटर कर पाएंगे। यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, नीड अ सॉवल। ओके, तो मुझे एक सॉवल चाहिए एंड तभी हम लोग उसको खोद पाएंगे। तो सबसे पहले इस वाले लॉक को ओपन करते हैं, दरवाज़ा को करते हैं ओपन। ओके गाइस, तो फाइनली अभी हम लोग स्कूल के अंदर में एंटर कर चुके हैं। बट भाई, मैं स्कूल डेली आता हूँ बट मुझे डर नहीं लगता है, बट नाइट के टाइम में भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि भाई ये स्कूल बिल्कुल बदल जाता है, वो भी रात के टाइम पे। दिन के टाइम में भाई बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है। एंड यहाँ पे एक सीक्रेट मतलब दरवाज़ा भी है। ओके, तो इसके थ्रू मैं इस तरह पा सकता हूँ, चलिए। एंड भाई, मेरा खुद का स्कूल है, मैं यहाँ पर इतना दिन से पढ़ रहा हूँ बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई सीक्रेट दरवाज़ा भी है। ओके, तो अभी इसको ओपन करते हैं, इसको भी ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिलने वाला है। तो इधर से तो कुछ है नहीं, बाकी जो टेबल चेयर है बिल्कुल टूट चुका है, इधर उधर गिरा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। ओके, की कार्ड मुझे यहाँ पर मिल चुका है, इसको स्वीप करके हम लोग बहुत सारे दरवाजे को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे प्लायर का ज़रूरत है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे किसी का पैर का मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा है, शायद जो मॉन्स्टर है वो इधर ही आ रही है मुझे लग रहा है, इसको ओपन करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे भाई मॉन्स्टर आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो, यही अपना क्लास टीचर है जो कि रात के टाइम में भाई मतलब एक चुड़ैल बन जाती है। तो इधर से मैं निकल चुका हूँ बाहर एंड अभी जो मॉन्स्टर है वो उस तरफ से घूम के आएगी, मुझे पता है। तो अभी मैं इधर आ जाता हूँ, देख लेता हूँ इधर से आ रही है क्या, शायद इधर से वो नहीं आ रही है। और अभी यहाँ पे देखते हैं। ओके, नीड की हैशटैग 17। ओके, तो मुझे यहाँ पे मतलब कोई 17 हैशटैग 17 बोल के कोई की है, उसको हमें मतलब लाना है। तो पता नहीं किधर से मिलेगा। यहाँ पे क्या है, और नीड अ ब्लू की। चलिए, मुझे एक ब्लू की चाहिए, तो देखते हैं ब्लू की किधर से मिलेगा। सबसे पहले अभी इस तरफ देख लेता हूँ, ये अपना टॉयलेट है मुझे लग रहा है, हाँ ये तो टॉयलेट है। चलिए, तो इसको सबसे पहले बंद कर देता हूँ मैं। इधर देखते हैं क्या भाई, कुछ नहीं है। इधर देखते हैं, कुछ नहीं है। इधर भी कुछ नहीं है। और अभी सबसे पहले मैं इस तरफ आ जाता हूँ, इधर देख लेता हूँ, कुछ भी नहीं है। इस तरफ देखते हैं भाई, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो अभी इधर देखते हैं। ओके, तो फाइनली मुझे पार्ट ऑफ ए सोवल मतलब कि मुझे सोवल का एक पार्ट मिल चुका है, नीड अ स्क्रू ड्राइवर। चलिए, इस वेंट को ओपन करने के लिए हमें मतलब स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो अभी सबसे पहले इसके नीचे कुछ है मुझे लग रहा है, नहीं, अपने आप को मैं यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं अपने आप को यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ अगर वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाती है। तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ बाहर सबसे पहले एंड अभी इस वाले दरवाजे को ओपन करके मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। चलिए, अभी इसको देखते हैं, ये ओपन होगा नहीं, ये शायद मुझे लग रहा है ओपन नहीं होगा। नीड अ डोर नॉब। ओके, तो मुझे डोर का एक नॉब चाहिए और तभी जो दरवाज़ा है वो ओपन होगा। इधर देख लेता हूँ, कुछ है यहाँ पे, कुछ नहीं है। इधर देख लेता हूँ, यहाँ पे भी मतलब ये कुछ भी ओपन नहीं होने वाला है। नीड की हैशटैग 17। ओके, तो मुझे यहाँ पे मतलब शायद 17 बोल के कोई की है, उसको मिलाना। यहाँ पे मॉन्स्टर भी भाई आ चुकी है, तो कोई बात नहीं।
अभी यहाँ से मैं इसको मतलब चकमा देके यहाँ से निकल सकता हूँ। चलिए भाई इसको मैंने कंफ्यूज़ कर दिया है, और अभी इधर से ओके यहाँ पे एक सीढ़ी जा रही है ऊपर की ओर, तो ऊपर फ्लोर चलते हैं एंड देखते हैं ऊपर में हम लोग को क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे दो दरवाजे हैं, तो ओके इसको मैं यहाँ पे शायद लगा सकता हूँ। चलिए ये ओपन हो चुका है एंड अभी देख लेता हूँ मैं सबसे पहले इस वाले दरवाजे को देख लेता हूँ बाहर में कोई है। शायद बाहर में ओके मॉन्स्टर यहाँ पे है और वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है, तो अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलिए इसको मैंने कर दिया है बंद, और अभी एक एक जगह को देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है, कुछ भी नहीं है इस ड्रॉर पे, कुछ भी नहीं है इस ड्रॉर पे, देखते हैं कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉर है, एक एक करके सभी को हमें चेक करना होगा। इधर सबसे पहले और किधर ड्रॉर है, ओके यहाँ पे ड्रॉर है, इधर भी देख लेता हूँ, नीचे से देखते हैं ताकि हम लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। इसको भी देख लेता हूँ, ओके कुछ भी नहीं है। दोनों ड्रॉर में हम लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिला है, और एक ड्रॉर है इधर, मतलब इधर एक नहीं तीन तीन ड्रॉर है, तो इसको भी देख लेता हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें भी, कुछ नहीं है। तो ड्रॉर में तो हमें कुछ मिला नहीं है, तो इधर से बाहर में जा सकता हूँ, नहीं ये दूसरा कमरा है, और इधर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिलने वाला है। इसको मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ, चलिए ठीक है ये सब तो शायद ओपन नहीं होगा, मैं इसको हाइड करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। बाकी अभी इधर देखते हैं, इधर तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं मैं इसको ओपन करके, इसके अंदर में भी हमें कुछ नहीं मिला है। इसको ओपन करते हैं शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, नहीं यहाँ से भी हमें कुछ देखने को नहीं मिला है। तो अभी यहाँ पे और एक उस तरफ दरवाज़ा है, और ये तो इसी कमरा का है, तो उसका मतलब उसको खोल के कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, ओके मॉन्स्टर ने भाई हमें यहाँ पे देख ली है, तो सबसे पहले इधर से मैं निकल लेता हूँ, और यहाँ पे कहीं पे मैं छिप जाता हूँ। इस तरफ छत है और यहाँ पे मैं छिप सकता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ, और मुझे नहीं लगता जो मॉन्स्टर है वो मुझे यहाँ पे मतलब वो देख पाएगी। ओके गाइस उसने मुझे देख लिया एंड फिलहाल उसने मुझे मार भी दिया। एक लाइफ मेरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, टोटल अभी 4 लाइव्स मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट है। तो मैं वहाँ पे छिप गया था और वो बहुत दूर में थी, मुझे लग रहा था शायद वो मुझे नहीं देख पाएगी, बट उसने मुझे देख लिया। बट कोई बात नहीं, अभी 4 लाइव्स मेरे पास बचा हुआ है। तो अभी मेरा जो टास्क है वो है ब्लू की को ढूंढना है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए जो कि मेरे पास फ़िलहाल अभी नहीं है। तो अभी देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे वुडन प्लैंक्स, ओके नीड अ हैमर, तो हमें यहाँ पे हैमर चाहिए तब हम लोग उस दरवाजे को ओपन कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे नीचे कुछ गिरा हुआ है, देखते हैं क्या है भाई। ओके बल्ब, तो मुझे यहाँ पे एक बल्ब मिला है, इसको फोड़ना है क्या, इसको गिरा के देखते हैं। ठीक है इस तरफ आ जाता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे पता नहीं वो मॉन्स्टर किधर होगी, साउंड तो आ रहा है भाई। तो एक काम करता हूँ मैं ऊपर की ओर चलता हूँ, चलिए मैं ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ, शायद ऊपर में वो नहीं है मुझे लग रहा है। ओके वो यहाँ पे नहीं है, पता नहीं ये जो बल्ब है इसका यूज़ कहाँ पे होगा, मतलब इस बल्ब को हमें कहीं पे लगाना है या क्या करना है पता नहीं। तो इधर तो कुछ है नहीं, इस तरफ भी कुछ नहीं है। तो अभी वहाँ पे एक कमरा है जो कि मैंने देखा नहीं था, चलिए इस वाले कमरे को देखते हैं यहाँ पे क्या मिलने वाला है। ओके तो मैं इसके अंदर में आ चुका हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले अभी इस वाले दरवाजे को करते हैं बंद, मॉन्स्टर बाहर में ही घूम रही है। सबसे पहले इधर देखते हैं इसको ओपन करके इसके अंदर में क्या मिलने वाला है, इसके अंदर में कुछ नहीं, इसको ओपन करते। ओके गाइस तो फाइनली हम लोग को यहाँ पे ब्लू की मिल चुका है। तो इस ब्लू की के थ्रू नीचे हम लोगों ने एक केज देखा था एंड उसके अंदर में एक बास्केटबॉल था एंड ओ यहाँ पे मॉन्स्टर ने भाई हमें पकड़ ली, मतलब बिल्कुल बाहर में वो घूम रही थी क्योंकि मैंने वहाँ पे बल्ब को गिरा दिया। 3 लाइव्स जो है मेरे पास फिलहाल अभी लेफ्ट है, मैंने वहाँ पे बल्ब को गिरा दिया जिसके कारण वहाँ पे साउंड क्रिएट हुआ और उसने मुझे बाहर फेंक दिया। चलिए स्कूल के अंदर में एंटर करते हैं, अपना की यहाँ पे तो गिरा नहीं होगा, मुझे लगता है अपना की वहीं पे गिर गया जहाँ पे उस मॉन्स्टर ने मुझे मारी थी। तो वहीं पे चलते हैं और जाके अपने ब्लू की को लाते हैं एंड अपना कीज ओपन करते हैं, उसके अंदर से हमें एक बास्केटबॉल मिलने वाला है जो कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। एंड उस बास्केटबॉल का क्या यूज़ है पता नहीं मुझे, बट उसको खेलना है क्या करना है पता नहीं। तो अभी सबसे पहले ब्लू की को लाते हैं, बास्केटबॉल को लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल ही जाएगा क्योंकि हिंट तो आएगा ही कि हमें क्या करना है उसका। तो सबसे पहले अपना की को ढूंढते हैं भाई, यहाँ पे अपना का ओके यहाँ पे अपना की है। सबसे पहले इस वाले ब्लू की को लेके मैं चलता हूँ नीचे, अपने केस को वहाँ पे जाके ओपन करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहले अभी मैं नीचे उतर चुका हूँ एंड इधर से मुझे जाना है आगे की ओर, अपना केज बिल्कुल यहीं पे है आगे। ओके ये रहा अपना केज, इसको ओपन करते हैं। चलिए मुझे यहाँ से एक बास्केटबॉल मिल चुका है, इसको खेलना है मुझे लग रहा है क्या, नहीं एक बार हिंट मैं देख लेता हूँ भाई ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है तो अभी इसको मैं गिराता हूँ इस तरह से, नहीं इसका शायद मुझे लगता है हिंट मुझे देखना ही होगा। ओके तो मैं इसको समझ चुका हूँ, मुझे ऊपर जाना है एक कमरे के अंदर में जो कि सबसे फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे एंड वहाँ पे एक मीट टाइप का कुछ ऊपर में लटका हुआ था ना, वहीं पे हम लोग को इस स्क्रू ड्राइवर मिलने वाला है। तो सबसे पहले वहीं पे चलते हैं,
अभी सबसे पहले मैं ऊपर आ चुका हूँ एंड अभी जाते हैं उस वाले कमरे के अंदर में। वहीं पे हम लोग को एक स्क्रू ड्राइवर मिलने वाला है। यहाँ पे एक बैग गिरा हुआ है, नहीं ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। अभी उस कमरे के अंदर में हमें जाना है, इसको खेलना है वहाँ पे। एंड ऊपर में हमें मिलेगा एक बास्केटबॉल एंड सॉरी बास्केटबॉल तो भाई मेरे पास ही है, मतलब एक स्क्रू ड्राइवर हम लोग को मिलने वाला है। इसको मैंने फेंक दिया ऊपर और यहाँ से मुझे एक स्क्रू ड्राइवर मिल चुका है, इसको लेते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ से सबसे पहले अभी ओ यहाँ पे भाई मॉन्स्टर किधर से आई पता नहीं भाई, शायद मुझे लग रहा है उस कमरे के अंदर में थी, और मतलब अपोजिट साइड में जो एक कमरा था वहीं पे थी बिल्कुल साइड पे। और फिलहाल अभी मेरे पास दो लाइव्स जो है यहाँ पे लेफ्ट है, स्कूल से बाहर उसने मुझे फेंक दिया है। चलिए स्कूल के अंदर में फिर से एंटर करते हैं एंड अपना स्क्रू ड्राइवर भाई ऊपर में ही था, उसको जाके जल्दी से लाते हैं, सब इवेंट को ओपन करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले अभी यहाँ से ऊपर चलता हूँ मैं। ओके ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इसको हमें ओके एक सेकंड मेरे पास एक तो मैं फेंक के मार सकता हूँ। ओके गाइस तो मैंने इसको फेंक के मार दिया भाई, ये यहाँ पे बेहोश हो चुकी है, पता नहीं ये कौन सा चीज़ है मेरे पास था एंड मैं इसका बहुत देर से यूज़ ही नहीं कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे इसका यूज़ करके मैं इसको मार भी सकता हूँ। अगर इसका यूज़ करके इतना देर अगर मैं इसको मारता तो शायद मैं इतना बार यहाँ पे नहीं मरता, बट कोई बात नहीं, चलिए सीखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ओके मुझे यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर मिल चुका है एंड इस स्क्रू ड्राइवर के थ्रू मैं सभी वेंट को ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले नीचे चलते हैं बात। ओके भाई पता नहीं कैसे मैं नीचे गिर गया, शायद वहाँ पे जो वुडन प्लैंक्स लगा हुआ था मुझे लग रहा है, शायद मुझे लग रहा था जो फ्लोर है वो टूटा हुआ था एंड वहाँ पे वुडन प्लैंक्स लगा के रखा था, मतलब एक ट्रैप बना के रखा था उसने। एंड जैसे भाई उसके ऊपर मैं चढ़ा मैं बिल्कुल नीचे गिर गया, ठीक है। और एक लाइफ और ख़त्म हो गया मेरा, स्क्रू ड्राइवर तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ले लिया, एक लाइफ मेरे पास बचा हुआ है। तो सबसे पहले इस वाले वेंट को यहाँ पे ओपन करते हैं। चलिए मैंने इसको ओपन कर लिया, इसके अंदर में एंटर करते हैं, देखते हैं इसके अंदर में क्या है। ओके तो फाइनली मुझे यहाँ पे हैमर मिल चुका है, इसको मैं ले लेता हूँ इस हैमर को। ओके मैंने इसको ले लिया, अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है शायद जो मॉन्स्टर है ना वो यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने साउंड क्रिएट किया है। तो इसको सबसे पहले ओके ओपन कर लिया और यहाँ पर भाई मॉन्स्टर भी आ चुकी है। मैं यहाँ पर निकलने का कोशिश कर रहा था बट उसने मुझे पकड़ लिया, अपना गेम यहाँ पर भाई ओवर हो चुका है और मेरे पास अभी कोई एक्स्ट्रा लाइफ बचा हुआ नहीं है, तो अपना गेम यहाँ पे ओवर हो चुका है। तो इस गेम को मतलब मैं पूरा ट्राई कर रहा था कि यहाँ से मैं एस्केप करूँ बट मुझे कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट गेम बहुत ज़्यादा मज़ेदार था एंड इस गेम को यहाँ से मैं एस्केप तो नहीं कर पाया, मतलब कंप्लीट तो नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से एस्केप करेंगे एंड उसके बाद अपना डायरी जो है उसको लेकर ही हम लोग यहाँ से जाएंगे इस स्कूल से। बाकी आप लोग को ये गेम प्ले वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।